हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 18 डेज की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो घरेलू वायरिंग किया जाता है, चाहे वो पट्टी वाली वायरिंग कर रहे हों या फिर अंडरग्राउंड वायरिंग किया जा रहा हो, तो आजकल की जो भी वायरिंग की जाती है तो उसमें बोर्ड जो लगता है उस बोर्ड का नाम है मॉड्यूलर बोर्ड। कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं वायरिंग में। ज़्यादातर आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा ही बोर्ड देखने को मिल रहा है, जिसमें कहीं से कोई स्क्रू वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इस बोर्ड को कहा जाता है मॉड्यूलर बोर्ड। और आप भी जब वायरिंग करेंगे तो इसी बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बोर्ड जो है एक निश्चित साइज से मार्केट के अंदर उपलब्ध है। आज की इस वीडियो में हम इसी साइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से साइज का मॉड्यूलर बोर्ड आपको मार्केट में मिलेगा। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि MCB बॉक्स कौन कौन से साइज में मार्केट के अंदर उपलब्ध है। तो यहाँ पर हमने मॉड्यूलर बोर्ड का साइज इधर लिखा है और यहाँ पर लिखा है MCB बॉक्स का साइज। तो यहाँ पर हम MCB बॉक्स के साइज के बारे में बताएंगे, यहाँ पर मॉड्यूलर बोर्ड के साइज के बारे में बताएंगे। सबसे पहला जो मॉड्यूलर बोर्ड आता है वह 1M में आता है। 1M का मतलब होता है एक मॉड्यूलर, यानी कि इस बोर्ड के अंदर केवल एक ही स्विच लगाया जा सकता है। स्विच के स्थान पर आप चाहें तो MCB लगा सकते हैं, केवल एक ही लगेगा। फ्यूज लगा सकते हैं, वो भी एक ही लगेगा। 2-पिन सॉकेट लगा सकते हैं, एक ही लगेगा, या रेगुलेटर एक लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो स्विच, सॉकेट या MCB फ्यूज जो भी हम बताए हैं वह सिंगल मॉड्यूलर में आते हैं और उनमें से कोई एक इसमें लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर ये एक स्विच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर जो बोर्ड आएगा वो 2 मॉड्यूलर का आता है। इसमें आप क्या क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2 मॉड्यूलर का बोर्ड है। इसके अंदर या तो आप 2 स्विच लगा सकते हैं या फिर 2 मॉड्यूलर का एक स्विच आता है, यानी एक ही स्विच रहेगा, 2 मॉड्यूलर का रहेगा। वह आप वेल स्विच के रूप में, यानी घंटी वाला जो स्विच होता है उसके रूप में यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर 1 5-पिन सॉकेट या 3-पिन सॉकेट इसके अंदर लगाया जा सकता है। उसमें स्विच वगैरह कुछ नहीं लगा सकते हैं। यानी कि जो भी अभी हम बताए हैं ये 2 मॉड्यूलर वाले सभी आते हैं। और या फिर आप इसके अंदर 1 मॉड्यूलर वाला 2 स्विच इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है, 3 मॉड्यूलर का बोर्ड आता है। 3 मॉड्यूलर का बोर्ड आएगा। ये 3 मॉड्यूलर में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल 1 5-पिन सॉकेट और 1 स्विच के लिए किया जाता है। यानी 1 5-पिन सॉकेट जो होता है 2 मॉड्यूलर का होता है और 1 स्विच सिंगल मॉड्यूलर का, यानी सब मिला करके 3 मॉड्यूलर हो गया। तो इस तरीके से आप 3 मॉड्यूलर तक के बोर्ड को समझ गए होंगे। इसके बाद जो है आता है 4 मॉड्यूलर का बोर्ड। 4 मॉड्यूलर के बोर्ड में आप चाहें तो 4 1-1 स्विच लगा सकते हैं, 1-way स्विच जो होता है, या 2-way स्विच रहे तो भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल मॉड्यूलर वाला इसके अंदर लग सकता है 4। या फिर यदि आप लगाना चाहें 2 सॉकेट, तो 5-पिन सॉकेट, तो 2 5-पिन सॉकेट इसके अंदर लग सकता है, क्योंकि 1 5-पिन सॉकेट 2 मॉड्यूलर का होता है। तो यहाँ पर 2 जो है कि 5-पिन सॉकेट लगा सकते हैं, या फिर 1 5-पिन सॉकेट लगा सकते हैं, 1 इंडिकेटर लगा सकते हैं, 1 स्विच लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 मॉड्यूलर का हो गया। उसके बाद जो है 5 का नहीं आता है, 6 मॉड्यूलर का आता है। 6 मॉड्यूलर का आता है, इसमें आप 2 5-पिन सॉकेट और 2 जो है स्विच लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये इसी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2 5-पिन सॉकेट और 2 स्विच, ये सब मिला करके 6 मॉड्यूलर हो जाते हैं। यानी कि 2 जो 5-पिन सॉकेट है, 1 5-पिन सॉकेट 2 मॉड्यूलर का होता है, तो 2 5-पिन सॉकेट मिला करके 4 मॉड्यूलर का हो गया और 2 स्विच मिला करके सब टोटल हो जाते हैं 6 मॉड्यूलर। अब 6 मॉड्यूलर के बाद जो है कि आता है 8 मॉड्यूलर का बोर्ड। 8 मॉड्यूलर का जो बोर्ड है मार्केट में 2 तरह से आता है। एक तो स्क्वायर शेप में, आप देख लीजिए ये स्क्वायर शेप है, यानी कि ऊपर का साइज और नीचे का साइज सब जो है, चारों तरफ का साइज इसका, लंबाई चौड़ाई सब बराबर रहेगा। लेकिन इसका जो दूसरा आता है वह आता है लंबा, यानी आयताकार। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पर जैसा फिट होने वाला हो, इन दोनों साइजों में से
कोई भी आप लगा सकते हैं। इसमें 8 स्विच लगा सकते हैं या फिर 4 टू पिन सॉकेट लगा सकते हैं या फिर कुछ स्विच कुछ सॉकेट मिला करके 8 मॉड्यूलर तक के ही आप स्विच सॉकेट इसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 8 मॉड्यूलर समझ गए होंगे। उसके बाद आता है 10 मॉड्यूलर। इसको हम ऐसे गोल बना देते हैं, क्यों? क्योंकि 10 मॉड्यूलर हर एक दुकान पर नहीं मिल पाता है, ज़्यादातर यहाँ से ऊपर वाले तो सभी मिल जाएंगे, 10 मॉड्यूलर कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है। तो यदि 10 मॉड्यूलर का बोर्ड है तो इसमें आप 10 स्विच लगा सकते हैं या फिर कुछ 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, कुछ स्विच लगा सकते हैं, टोटल मिला करके 10 मॉडल तक इसके अंदर स्विच सॉकेट जोड़ जाड़ करके लगा सकते हैं। 10 मॉड्यूलर के बाद आता है सीधे सीधे 12 मॉड्यूलर। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यानी सबसे ज़्यादा कोई बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो वो 12 मॉड्यूलर का बोर्ड है। और यह प्रत्येक कमरे, जितना भी आप वायरिंग कीजिएगा तो प्रत्येक कमरे में अधिकतर जो है 12 मॉड्यूलर की आवश्यकता होती ही है, चाहे बेडरूम हो, चाहे आपका बैठक वाला रूम हो, चाहे कहीं भी आप जहाँ पर भी इसको लगाना चाहें, मतलब स्विच सॉकेट जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर ज़्यादातर 12 मॉड्यूलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप पंखे का कनेक्शन करते हैं, पंखे के कनेक्शन के साथ साथ रेगुलेटर इसमें रहेगा, इंडिकेटर रहेगा, फ्यूज लगाएं या फ्यूज के स्थान पर आप इसमें MCB लगा सकते हैं, 2 5-पिन सॉकेट लगाएंगे, 2 5-पिन सॉकेट लगाएंगे तो 2 स्विच भी लगेगा, तो 2 5-पिन और 2 5-पिन सॉकेट लगाएंगे, 2 स्विच लगाएंगे तो ये टोटल 6 मॉड्यूलर का समाप्त हो गया। बाकी जो है आपका बल्ब पंखा मिला करके और इंडिकेटर वगैरह फ्यूज वगैरह मिला करके 6 मॉड्यूलर का ये कंप्लीट हो जाता है और ये एक कमरे के लिए पर्याप्त होता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर 12 मॉड्यूलर का इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं कहीं पर किसी कमरे में ज़्यादातर मतलब 12 मॉड्यूलर से अधिक पॉइंट लगने वाला होता है तो 12 के बाद सीधे सीधे अभी हम बताने वाले हैं 18 के बारे में, तो 18 लग जाएगा। तो 12 के बाद आ जाता है मार्केट में 14 AM का बोर्ड आता है, यह भी बहुत कम आपको मिलेगा। और 14 के बाद आता है 16 मॉड्यूलर। 16 मॉड्यूलर मिल जाता है आसानी से। और उसके बाद जो है कि आ जाता है लास्ट में 18 मॉड्यूलर। अब 18 मॉड्यूलर से ज़्यादा का बोर्ड नहीं आता है। तो इस तरीके से मॉड्यूलर बोर्ड का साइज आपको पता चल पाया होगा, साथ ही साथ हमने इधर के तरफ इन सभी का चित्र भी दिखाया है और इनको आप आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर कौन सा बोर्ड लगे, तो इसके लिए आपको जिनका मकान है उनसे आपको पूछना है कि किस कमरे में क्या क्या चीज़ें आप लगवाना चाहते हैं, या फिर आप नेक्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, हम यह बताएंगे आपको कि किस कमरे में क्या क्या चीज़ें लगाई जा सकती हैं, या फिर आप कस्टमर से भी बातचीत करके ये समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको भी पता होना चाहिए कि बेडरूम में क्या क्या चीज़ें लगती हैं या फिर किचन में क्या क्या जो है पॉइंट हमको देना चाहिए। यदि कस्टमर को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उनको बताना है कि ये सारी चीज़ें इसमें लगती हैं, यदि वो लगवाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगवाना चाहें तो मत लगाइए, लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा, यानी कि 81 वाली जो वीडियो बनेगी उसमें हम इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहां तक सिर्फ हमने मॉड्यूलर बोर्ड के साइज के बारे में बताया और यह मॉड्यूलर बोर्ड का साइज आप मार्केट में जाकर के इनमें से कुछ भी खरीद सकते हैं। 14 और 10 वाला थोड़ा कम मिलता है लेकिन बाकी सभी आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं MCB बॉक्स के साइज के बारे में। MCB बॉक्स किन किन साइजों में हमारे मार्केट के अंदर उपलब्ध है और आप कौन कौन सा जो है अपने वायरिंग करते समय अपने वायरिंग के मेन बोर्ड में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है 1 वे। इसमें जो साइज होता है वे करके आता है, 1 वे यानी एक खाने वाला जो मतलब MCB बॉक्स आएगा उसके अंदर केवल आप एक ही MCB लगा सकते हैं। उसके बाद 2 वे। एक बात आप लोगों को बता दें कि जो 1 वे होता है वही 2 वे है, यानी कि आप इस चित्र में देख लीजिए इसके जो किनारे वाले साइड है इनको यदि आप काट दीजिएगा तो उसमें 2 MCB फिट हो जाएंगे और उसमें जो किनारे वाले साइड है उनको नहीं काटेंगे तो आप उसके अंदर केवल और केवल 1 MCB लगा सकते हैं। इसके अलावा आता है 3 वे।
आप ये चित्र देख लीजिए, यानी कि इसके अंदर आप 3 MCB आसानी से लगा सकते हैं। 1 वे का है तो 1 MCB लगेगा, 2 वे का है तो 2 MCB लगेगा, 3 वे का है तो 3 MCB लगेगा। उसी तरीके से 4 वे आता है, 4 वे, 5 वे नहीं आता है, 6 वे आता है, 6 वे आ जाएगा। इसमें आप 6 MCB आराम से लगा सकते हैं। सिंगल पोल की MCB लगाएं तो 6 गो लगेगा, यदि डबल पोल की MCB लगाएंगे तो 3 लगेगा। यदि मान लेते हैं एक डबल पोल की MCB लगती है और सिंगल जो है कि आप लगाना चाहते हैं उसके साथ, तो 4 MCB सिंगल पोल की लगा सकते हैं, एक जो है डबल पोल की लगाई जा सकती है। तो उस तरीके से आप 6 वे MCB बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 वे के बाद आता है 8 वे, 8 वे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर 8 सिंगल पोल की MCB लगाई जा सकती है, या फिर आप इसमें डबल पोल की MCB लगाना चाहें तो 4 लग जाएगा। कुछ डबल और कुछ सिंगल लगाना चाहें तो सब जोड़ जाड़ के अपना समझ लीजिए कि कौन कितना उसके अंदर लगेगा। उसके बाद 10 वे MCB बॉक्स में भी 10 वे बहुत कम मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि 10 वे और नहीं मिलता है, उसी तरीके से 10 वे इसके अंदर भी बहुत कम मिलता है। लेकिन यदि आपके पास अगल बगल आप जो भी दुकान है उनसे पता कर सकते हैं, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आता ज़रूर है। ये भी बनाई जाती है, कंपनियाँ इसको भी बनाती हैं, लेकिन इस्तेमाल कम होने के कारण इसका इस्तेमाल जो है कि मार्केट के अंदर ये जल्दी बिकता नहीं है। अब उसके बाद 10 के बाद आ जाता है 12 वे, 12 वे का MCB बॉक्स आएगा तो उसमें 12 MCB लगेगा। उसके बाद 12 वे के बाद आ जाता है 14 वे, यह भी बहुत कम आता है। यहाँ पर 10 वे और जो 14 वे है वो बहुत कम MCB बॉक्स आता है। उसके बाद 12 वे के बाद आ जाता है 16 वे, 16 वे के बाद आ जाएगा 18 वे। इस तरीके से आपको MCB बॉक्स के बारे में भी पता चल गया होगा कि इतने MCB बॉक्स के साइज़ जो है कि हमारे मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं, और घरेलू वायरिंग में इनसे कम ही जो है कि MCB, इनसे कम खाने का मतलब 18 से तो कम ही आएगा, इससे ऊपर के MCB बॉक्स घरेलू वायरिंग में तो नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके से कोर्स की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।